कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि वहां पर अब हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, जो भी ऑर्चर्ड्स हैं उसमें स्प्रे के लिए, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे के लिए। और कश्मीरी की जो बागबानी है उससे अब बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसमें ड्रोन्स जो हैं अब एक अहम रोल निभाएंगे। स्क्वाश श्रीनगर के वैज्ञानिकों ने हाईटेक ड्रोन्स इजाद किए हैं, और जो कि बागानों पर रसायन व कीटनाशकों को स्प्रे करने में कारगर साबित होंगे। तो एक बड़ी और अहम खबर तमाम किसानों के लिए है, और राहत भरी खबर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो एडवांसमेंट इसमें किया गया है, जो हाईटेक ड्रोन्स को इजाद किया गया है, उसे लेकर अब जो तमाम किसान हैं उनके लिए एक बड़ी और अहम खबर है। स्क्वाश श्रीनगर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हाईटेक ड्रोन इजाद किए हैं, और ऑर्चर्ड्स में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए ये जो हाईटेक ड्रोन्स हैं बेहद कारगर साबित होंगे। और वहीं पर क्या कुछ खास रहेगा इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से, हम जानेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फैजल रियाज इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल बताइएगा, क्योंकि अवेयरनेस होना भी बेहद जरूरी है, स्क्वाश श्रीनगर की तरफ से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो ये ड्रोन इजाद किए हैं, अब ये जो एडवांसमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसे लेकर किसानों को कितना फायदा होगा और क्या कुछ रिएक्शन है उनका? देखिए प्रियंका, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं या यहाँ की एग्रीकल्चर फील्ड्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वास्ट फील्ड्स होते हैं जिनमें टाइम लगता है स्प्रे करने के लिए, और खासकर जो एप्पल के काश्तकारी होते हैं या बाकी फ्रूट्स के होते हैं उनमें कई करीबन महीनों लगते हैं उनको स्प्रे करने के लिए। पैसे लगाने पड़ते, मैनुअल पावर लगाना पड़ता, उसके बाद करीबन महीने डेढ़ महीने लगते थे एक एक फार्मर को उसमें स्प्रे करने के लिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाश कश्मीर है, उन्होंने एक न्यू इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ड्रोन जो है इंट्रोड्यूस किया है कि जो स्प्रे लगाने में आसानी हो सकती है। तो साइंसदानों के कंट्रीब्यूशन से और उसके साथ साथ जो स्क्वाश कश्मीर यूनिवर्सिटी है उनकी, तो उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से एक ड्रोन बनाया गया, और ड्रोन के जरिए अब स्प्रे किया जाएगा, जो कि जो भी फार्मर्स है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगी और वो अपने फील्ड्स में स्प्रे कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यहाँ देखा जा रहा है कि टाइम लगता है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे फार्म उनको टाइम लगता था कि कैसे हम करेंगे, कितना टाइम लग सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी सामने आई है तो कहीं ना कहीं इन जो फार्मर्स है उनको आसानी हो सकी, और जो इनका कॉस्ट है वो भी कम है, और जो पैसा उनको स्प्रे करने में लगाता था, चाहे वो केमिकल की बात हो या फर्टिलाइजर की बात हो, तो काफी ज्यादा टाइम उनको लगाता था उसमें लगाने के, लेकिन जैसे अभी इंट्रोड्यूस किया गया तो अब साफ जाहिर है कि उनको भी आसानी होगी। और इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत भी है कि खेत हो, चाहे वो दूसरों के खेत हो, वो कहीं ना कहीं इस